हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त स्नेहल। वेलकम बैक टू आयुर्वेद आरोग्य औषधि। दोस्तों, आप चाहे लड़का हो या लड़की, टीनेजर हो या कोई और, आपके फेस पर पिंपल आना आपको हमेशा ही बहुत ज्यादा परेशान कर देता है, क्योंकि दोस्तों इस पिंपल के आने की टाइमिंग बहुत ही गलत होती है। जैसे कि जब आप किसी खास पार्टी या फंक्शन में जाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड रहती हैं और उसके ठीक एक या दो दिन पहले आपके फेस पर पिंपल्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपका उस फंक्शन में बेस्ट दिखने का प्लान पूरा का पूरा चौपट हो जाता है। और दोस्तों, ऐसे टाइम में हम में से ज़्यादातर लड़कियां या लेडीज बहुत सारा मेकअप या कंसीलर लगाकर अपने उस पिंपल को छुपाने की बेकार कोशिश करती रहती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम ऐसी ही कुछ सिंपल और क्विक होम रेमेडीज के बारे में जानते हैं जो आपके पिंपल्स को रातों रात दूर कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। दोस्तों, ये पिंपल्स मेनली तब होते हैं जब हमारे स्किन के सेबेशियस ग्लैंड्स जरूरत से ज्यादा सीबम प्रोड्यूस करते हैं, और इस सीबम की वजह से वो सेबेशियस ग्लैंड्स ब्लॉक या क्लॉग हो जाते हैं। और दोस्तों, ये पिंपल्स ज्यादातर हमारे चीक्स या गालों, फोरहेड, जॉलाइन या चिन पर ज़्यादा देखे जाते हैं, लेकिन कभी कभी ये हमारे चेस्ट, बैक और थाइस पर भी हो सकते हैं। और दोस्तों, पिंपल्स होने के भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे कि ये मोस्टली टीनेज ईयर्स में होता है जब हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और ख़ास करके जब हमारी लाइफस्टाइल बहुत ही अनहेल्दी होती है तब भी ये पिंपल्स होते हैं। और दोस्तों, इसके अलावा कुछ मेडिकेशंस के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से भी हमारी स्किन में एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी हमें पिंपल्स होते हैं। और दोस्तों, आजकल तो हम YouTube या इंटरनेट पर तरह तरह के मेकअप वीडियोस देखकर अपने फेस पर लो क्वालिटी या बहुत ज़्यादा केमिकल्स वाले मेकअप प्रोडक्ट्स का यूज़ करके उस पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते ही रहते हैं, जो मोस्टली हमारी स्किन को सूट नहीं करते हैं और जिसकी वजह से भी हमें पिंपल्स की प्रॉब्लम होने लगती है। और दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लड़कियाँ या लेडीज़ इन मेकअप वीडियोज़ को ब्लाइंडली फॉलो करके उसे कॉपी तो कर लेती हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम एक अच्छी स्किन केयर रूटीन को फॉलो नहीं करती हैं, जिसकी वजह से हमें ये पिंपल्स या एक्ने की प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। और दोस्तों, कई लेडीज़ को PCOD या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से भी ये पिंपल्स होने लगते हैं। और दोस्तों, गर्ल्स या लेडीज़ को तो ये पिंपल्स की प्रॉब्लम आती और जाती ही रहती है, और इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे कि प्यूबर्टी, पीरियड्स, प्रेगनेंसी या उनकी बॉडी में किसी भी तरह का हार्मोनल चेंज होना आदि। और दोस्तों, जब हम अपनी डाइट में ज़रूरत से ज़्यादा रिफाइंड शुगर, नमक और कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं तो इसके वजह से भी हमें पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है। और दोस्तों, पिंपल्स होने पर हम में से ज़्यादातर लोग जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो है पिंपल्स को फोड़ देना। दोस्तों, हम जैसे ही अपने फेस पर एक छोटा सा भी पिंपल देखते हैं तो हमारा फर्स्ट इंस्टिंक्ट यही होता है कि हम उसे फोड़ दें, जिससे कि उसका पस या गंक बाहर निकल जाए और वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। और दोस्तों, पिंपल्स होने पर हमें ये सारे प्रिकॉशंस ज़रूर लेने चाहिए, जैसे कि पिंपल वाले बैक्टीरिया को फैलने से रोकने के लिए अपने हाथों को अपने फेस से दूर रखना चाहिए। सेकेंडली, हमें हर दिन एक अच्छी स्किन केयर रूटीन को फॉलो करना चाहिए, जैसे कि अपनी स्किन या फेस को अच्छे से साफ, टोन, मॉइस्चराइज और धूप से प्रोटेक्ट करना चाहिए, और जितना जल्दी हो सके नेचुरल होम रेमेडीज़ का यूज़ करके या फिर किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर की मदद लेकर इसका जल्दी से जल्दी इलाज करना चाहिए। और लास्टली, अपने फेस या स्किन पर ज़रूरत से ज़्यादा ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स का यूज़ नहीं करना चाहिए, जो कि हमारे एक्ने या पिंपल्स की प्रॉब्लम को और भी ज़्यादा एग्रवेट या ख़राब करता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम पिंपल्स को दूर करने की कुछ DIY
बजाय ओवरनाइट होम रेमेडीज या घरेलू नुस्खों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, सबसे फर्स्ट रेमेडी है टी ट्री ऑयल, जो कि अपनी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। दोस्तों, इसके लिए आप 2 ड्रॉप टी ट्री ऑयल को 2 ड्रॉप नारियल तेल में अच्छे से मिक्स करें और फिर इसे एक कॉटन बॉल की मदद से डैब करते हुए अपने पिंपल्स पर लगाएं। इसे कुछ घंटों के लिए लगा रहने दें और फिर हल्के गर्म पानी से धो लें। दोस्तों, ऐसा करने से आपका पिंपल जल्दी ही गायब हो जाएगा। दोस्तों, या फिर आप अपने पिंपल को रातों रात दूर करने के लिए स्किन केयर की दुनिया के सबसे भरोसेमंद इंग्रेडिएंट एलोवेरा का भी यूज कर सकती हैं, जो हमारी स्किन की गर्मी को शांत करके उसके रिपेयर को प्रमोट करता है। दोस्तों, इसके लिए आप फ्रेश एलोवेरा जेल की 1 या 2 बूंद अपने पिंपल पर अप्लाई करें और इसे रात भर के लिए लगा रहने दें। आपका पिंपल सुबह तक गायब हो जाएगा। दोस्तों, हम सब ग्रीन टी पीने के हेल्थ बेनिफिट्स तो जानते ही हैं, लेकिन क्या आप जानती हैं कि आप अपने पिंपल्स पर भी ग्रीन टी अप्लाई कर सकती हैं? दोस्तों, इसके लिए आप बस एक ग्रीन टी बैग लें, इसे थोड़े से पानी में बॉईल कर लें और फिर अच्छे से ठंडा कर लें। ये लिक्विड ठंडा हो जाने पर आप इसे एक कॉटन बॉल की मदद से अपने पिंपल्स पर अप्लाई करें और इसे रात भर के लिए लगा रहने दें। दोस्तों, इसके एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पिंपल्स की रेडनेस और स्वेलिंग को कम करते हैं, जिससे पिंपल जल्दी ही हील हो जाता है। दोस्तों, आप पिंपल्स पर प्योर हनी भी लगा सकती हैं, जो पिंपल प्रोन स्किन के लिए किसी मैजिक से कम नहीं होता है। इसके एंटी बैक्टीरियल गुण सूजन या इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, जिससे पिंपल बहुत ही जल्दी हील हो जाता है। दोस्तों, इसके लिए आप 1 या 2 बूंद हनी को अपने पिंपल पर लगाकर रात भर के लिए छोड़ दें और सुबह नॉर्मल पानी से धो लें। दोस्तों, पिंपल्स की टेंशन की वजह से कई गर्ल्स को सिर दर्द या हेडेक होने लगता है और फिर उन्हें कोई पेन किलर जैसे कि एस्प्रिन लेनी पड़ती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानती हैं कि आप एस्प्रिन का ना सिर्फ अपने हेडेक के लिए इंटरनली, बल्कि इसे थोड़ा क्रश करके एक्सटर्नली भी अपने पिंपल्स पर लगा सकती हैं। इसीलिए दोस्तों, अब जब भी आपको पिंपल्स हो तो इसका सिर दर्द ना लें और इसके बजाय एक एस्प्रिन की गोली को अच्छे से क्रश करके या पीस कर पाउडर बना लें और फिर उसमें 1 या 2 ड्रॉप पानी मिलाकर एक थिक पेस्ट बना लें और इस पेस्ट को अपने पिंपल्स पर अप्लाई करें। दोस्तों, एस्प्रिन एक एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट होता है, जो आपकी स्किन प्रॉब्लम को शांत करता है, जिससे आपके पिंपल्स जल्दी ही ठीक हो जाते हैं। और दोस्तों, फाइनली, अगर आपके पास इन सब में से कोई भी चीज़ अवेलेबल ना हो तो आप बस अपना फ्रिज खोलें और फ्रीजर से एक आइस क्यूब या बर्फ का टुकड़ा ले लें। फिर इस आइस क्यूब को एक साफ और पतले कपड़े में लपेटकर अपने पिंपल्स पर अप्लाई करें। दोस्तों, ध्यान रहे कि आप आइस को कभी भी डायरेक्टली अपनी स्किन पर अप्लाई ना करें और इसे एक एरिया पर 20 सेकंड से ज्यादा ना रखें। दोस्तों, आप ये आइस एप्लीकेशन कुछ मिनटों के लिए दिन में 2 बार कर सकती हैं। दोस्तों, ऐसा करना पिंपल्स से होने वाले दर्द और स्वेलिंग को कम करता है और पिंपल्स को जल्दी हील करने में भी मदद करता है। दोस्तों, हमारा आयुर्वेद हमें पिंपल्स से बचे रहने के लिए अपनी डाइट या आहार और लाइफस्टाइल या विहार का खास ख्याल रखने की सलाह देता है। दोस्तों, इसका सीधा मतलब ये है कि हमारी लाइफस्टाइल, हमारे एरिया का मौसम, हमारा काम और स्ट्रेस लेवल, हमें कब्ज या कॉन्स्टिपेशन का होना और हम क्या और किस तरह का खाना खाते हैं, ये सभी चीजें हमारे फेस पर पिंपल्स और दाग धब्बे होने का कारण बनती है। और इसीलिए अगर आप अपने पिंपल्स की प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करना चाहती हैं, तो आपको इन सारी बातों का खास ध्यान रखना चाहिए और अपनी डाइट में केचप, ज्यादा शुगरी ड्रिंक्स, चॉकलेट्स, कुकीज, फैटी फ्राइड और जंक फूड्स, मीट, ज़्यादा फैट वाला दूध या डेयरी प्रोडक्ट्स और ऑयली चीज़ों को खाने से बचना चाहिए। आपको हर रोज़ किसी न किसी तरह की एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, एक अच्छी और गहरी नींद लेनी चाहिए और खूब सारा पानी भी पीना चाहिए, जो आपकी स्किन को लंबे समय तक हाइड्रेटेड, ग्लोइंग और हेल्दी बनाए रखता है। और दोस्तों, लास्ट में सबसे ज़रूरी बात कि नेचुरल होम रेमेडीज वो मैजिक होते हैं जो एक दिन में नहीं, लेकिन एक ना एक दिन अपना मैजिक जरूर दिखाते हैं, जिनके रेगुलर यूज से आपके पिंपल्स धीरे धीरे कम होकर हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। दोस्तों, आई होप कि आप पिंपल्स के लिए इन सिंपल होम रेमेडीज का यूज जरूर करेंगे
और कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और दोस्तों, फाइनली वंस अगेन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। बाय बाय एंड थैंक यू।